पाकिस्तान की वाहिद की रिजॉर्ट पर जारी ट्रेनिंग कैंप के अख्तितम पर खैबर पख्तूनख्वा स्कीइंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा अमन स्की टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में खिलाड़ियों ने बर्फेली वादी में पीस डाउन हिल, जैंट सलालम और जी सुपर के मुकाबलों में हिस्सा लिया। मार्च के महीने में यहाँ मैं आया और स्की यहाँ पर बर्फ पड़ी है ना, मैंने यहाँ मुकाबले में हिस्सा लिया, मुझे काफ़ी बहुत मज़ा आया। मालम जब्बा में स्कीइंग के लिए उससे अलावा भी जो यहाँ पे है आउटडोर या व्यू बहुत खूबसूरत है, तो आप यहाँ पे आएँ और इंजॉय करें यहाँ पे। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने भी वादी मालम जब्बा पहुँच कर स्कीइंग मुकाबलों से लुत्फ उठाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत इंजॉय किया और सवाद का एक एक चीज़ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। हम कराची से आए हैं मलंग जब्बा फर्स्ट टाइम, यहाँ पर हम घूमने के सैर तफरी के हवाले से आए थे, बट यहाँ पर हमने जब यहाँ पर इसकी कंपटीशन वगैरह देखा तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मतलब हमारे उसमें 4 चांद लग गया वेकेशंस में। खैबर पख्तूनख्वा स्कीइंग एसोसिएशन के सदर का कहना है कि स्कीइंग की खेल को फ़रोग़ देने के लिए अमली इकदामात किए जा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि हम जो है ना स्कीइंग करना चाहते, तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमने उनको भी ट्रेनिंग का मौका फराहम किया और बुनियादी मकसद ये है कि हमारे जो नए बच्चे हैं ताकि उनको परफॉर्मेंस हम जज सकें कि उन्होंने कितनी इम्प्रूवमेंट की है। इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। स्कीइंग दिलचस्प खेल के साथ तफरी का बेहतरीन जरिया भी है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर हुकूमत इस खेल पर तवज्जो दे तो वो आलमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन सैयद इकबाल के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा, मालम जब्बा, स्वात। स्कीइंग दिलचस्प खेल के साथ तफरी का बेहतरीन जरिया भी है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगर हुकूमत इस खेल पर भी तवज्जो दे तो वो आलमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा लेकर मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन सैयद इकबाल के साथ सैयद शहाबुद्दीन समा, मालम जब्बा, स्वात।